थर्टी फाइव स्टूडेंट्स थे और वो सब ना मतलब आप समझे उस वक्त थर्टी फाइव फोर्टी एक अब मैं, मैं क्लास में गई हूँ सारी बात हुई है कॉन्वर्जेसन हुई है हमने डिबेट किया है, सब कुछ किया है। अब एक ना मुझे ये करके देखे जा रहा है देखे जा रहा है फिर मुझे कहता है मेरी अम्मी मर गई हैं मैंने कहा अच्छा बहुत याद आती है मुझे आप अपनी अम्मी जैसी लगती है अच्छा तो जो डोमिनो का प्रोस्पेक्टिस होता था उस पर हम लोगों की ना पिक्चर्स थी सारी टीचर्स की जैसे होती हैं उसमें से उसने यू वन इमेजिन दैट उसमें से ना मेरी वो पिक्चर निकाल के छोटी सी पासपोर्ट साइज अपने वॉलेट में रखी हुई थी oh. फिर वो यहीं पे नहीं रुका वो मुझे no. लगता था कुछ था उसका no. मसला कि उसने मेरे घर पता नहीं उसे कैसे पता चला था उसने मेरे घर एक मेरे ही साइज़ का टेडीबेयर भेजा मेरी बर्थडे वाले oh, wow. ने अच्छा जो मेरी स्टेप मदर है ना वो वैसी बहुत डरती है इन चीज़ों से ना वेल भाजी टी वाला आया कहता है ये केक और ये और ये और मैं तैयार हो रही हूँ ना कि बर्थडे है अम्मी ने कपड़े सीखे दिए मेरी अम्मी स्टिच करती हैं कपड़े तो हम वहां पर खड़े हुए कि अच्छा कौन है शायद शायदी कहती है पता नहीं ना तो पार्सल आया और दो इसे वापस पता नहीं किसने भेजा कौन है क्योंकि मेरा बचपन से ही जो हस्बैंड है उनसे एक था कि अच्छा इनसे शादी होनी है और पापा की डेथ के बाद अगले साल ही हमारे निकाह हो गए थे दोनों बहनों के दोनों भाइयों से और वो अम्मी के सगे भतीजे हैं तो अम्मी को तो पता था कि कोई ऐसा सीन ही नहीं है कि कोई आगे पीछे हो और ना वो वो अम्मी स्टेप सिस्टर के स्टेप मदर के सगे भतीजों से हम दोनों की शादी स्टेप मदर के देखें पापा ने दोषा दिया की आपकी पर... तो मैं, मैं बताती हूँ जो पहली अम्मी उनके हम तीन बच्चे हैं एक मेरी बड़ी बहन जो मेरी जेठानी है ओके फिर मेरा भाई है उसके ट्विन्स हैं फिर मैं स्टेप मदर के दो बच्चे एक बेटा एक बेटी सो पांच बहन भाई तो वो फिर अम्मी ने उससे पूछा तो कहते हैं मेरी तो जॉब चली जाएगी मेरा तो काम है ये देना उठाओ उसको लेके जाओ मैंने कहा एक काम करो जिसने भेजा है उसको कॉल करो इतना बेवकूफ था कि टीसीएस वाले ने कॉल की उसने उठा ली और फिर उसके बाद टू की क्लास में वो मेरे होता था फिर मैंने उसको वहाँ से okay. <laughs> बहुत ना, भी ना। भी होगा ना। यार मुझे डर लगता था वो जिस तरह देखता था मुझे लगता था उठा के ही न ले ना ले जाए किसी ने क्योंकि उस वक्त इतना था नहीं ना एक तो पापा की ताजा ताजा डेथ हुई थी फिर आपको लग रहा होता है पूरी दुनिया में सभी आपके दुश्मन है तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता था लेकिन बहुत मज़ा किया तो फिर वहाँ से चलते चलते ये एक्टिंग की तरफ कैसे आ यार एक्टिंग में मैं शुरू से जाना चाहती थी बचपन से शौक था शौक़ था पापा okay. मेरे तबलीगी जमात में थे शहरोजा mm. और चिल्ले वाले लोग होते ना mm. वो तो उन्होंने मुझे सिर्फ कैफे विजन एक आता था रिजवान जाफर का आई डोंट नो क्या आपको पता है नहीं इंडस विजन एक चैनल था okay. तो वहाँ पे होता था जो भी आपके यंगस्टर्स हैं ना मतलब कॉलेज स्कूल के mm. mm. वो सब बैठ के कोई डिबेट करते थे तो अक्सर उसमें वो मुझे बुलाते थे तो मैं पापा से कहती थी जाने दें तो वो स्टेप मदर के साथ हमें तारक रोड भेजते थे डॉलमिन वहाँ के फूड कोर्ट में हमारा डिबेट कंपटीशन होता बहुत तमीज़ का सलीके का और उसमें मैं हमेशा विन करती थी ओके okay. तो पापा ना अपने फ्रेंड्स को बता रहे थे ये जो बैठी है ना ये येलो कपड़ों में ये बैठी है फिर खैर बीच में रेडियो शोज़ वगैरह भी थे फिर एक रेडियो शो पे मैं गई ऑडिशन देने मैं फेल हो गई ओके okay. तो उसके बाद वो ख्वाब तो मेरा वहीं टूट गया कि मैं नहीं बन सकती आज फिर उसके बाद जब शादी वादी हो गई तो फिर मैंने अपनी सास ना बिल्कुल डेथ बेड बैठती थी उनको हेपेटाइटिस बी एन सी था वो बचपन से ये सीन था कि अगर कोई तकरीब है तो हैदराबाद से मैं कपड़े सिल के आ रहे हैं क्योंकि सास बिल्कुल बेटियों की तरह रखती थी तो मैंने उनसे कहा यार मुझे एक्टिंग करनी है नसीमी मुझे जाने में तो वो सदर में टेक्नो सिटी या नहीं कोई जगह थी वहाँ पे एलेवेंथ या नाइन्थ फ्लोर पे समा का ऑफिस था तो वहाँ होते थे अदील और जवाद okay. उन्होंने कोई ऐड वगैरह दिया कि भाई हमें एक्टर्स की ज़रूरत है तब वो आती थी री ओके okay. <laughs> मेरी कहानी मेरी जबानी जमानी okay. तो मुझे हमेशा लगता था अच्छा इसमें भी काम कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है चैनल्स तक जाना तो बहुत मुश्किल काम है mm -hmm. तो मैं पढ़ा भी रही थी रोमे रोमे mm -hmm. मैं ये काम भी करती थी साइड से ना अपनी पिक... अब उन्होंने कहा आप पोर्टफोलियो दें हमें तो पता ही नहीं पोर्टफोलियो क्या होता है mm -hmm. क्योंकि हमारे यहाँ तो पिक्चर्स ही नहीं बनती थी ऑफ कोर्स तो मैंने कहा अच्छा पोर्टफोलियो कहते हैं जो भी पिक्चर्स है दे दें तो आप सोचें मैंने कौन सी पिक्चर्स दी कौन सी पिक्चर दी जमीनी शादी की फ़िक्सर्स शादी <laughs> <थी। laughs> की फ़िक्सर्स थी उनके क्लोज़अप क्योंकि वो एल्बम तो आया नहीं था अभी शादी हुई थी मैंने अच्छा शादी के फौरन की बात है <laughs> मार्च की बात है फैब में शादी हुई है और मैंने मार्च 8 2011 की बात है मैंने वो जो है ना अपने हस्बैंड से कहा प्रिंट आउट निकाल के लिया <laughs> वो भेज <बेच> दिया <दे। laughs> वो मुझे लेके गया उस तो गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी बाइक पे मैं काशी के साथ मेरे हस्बैंड का निकनेम काशी है तो समझिएगा वही आदमी की बात हो रही okay, है किसी और की बात हो तो, गई हाँ, तो मुझे बाइक पे लेके गया हम वहां गए मैं जाके ना ऐसी अनलॉक में जैसे रिश्ते के लिए तस्वीरें देने I thought maybe <laughs> आपने ना टूशन से, लैंग्वेज सेंटर था ना उसकी कोई दी होगी <laughs> ये तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि शादी था। yeah, मुझे मुझे तो का ही तो तो की दी मतलब हाँ। तो मुझे एंगल ही नहीं पता चलता नहीं बना सकती ओके तो फिर वो तस्वीर लेके आप लेके बहुत कॉन्फिडेंस वाइट एनवलप में ले गई और मैंने उनको दे दी भाई और पीछे ना हर पिक्चर की मेरी हाई और मेरी एजुकेशन और ये सब लेके भी लिखा कहा <laughs> <था। laughs> तो <laughs> तो में में मुझे नहीं लगता कोई बुलाएगा तो जिन जो 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 लोगों के अम्मी अबू होते होंगे ना मीडिया में उनको बुलाते होंगे कौन बुलाएगा तो मुझे कॉल आ गई उन्होंने कहा बारह को आपकी शूट है अच्छा उस वक्त जो है मैंने कहा अच्छा फिर पैसे क्या मिलेंगे ये तो वो तो कहते हैं कि आपको पैसे मिलेंगे तीन दिन के चौबीस हज़ार रुपये वो तो बहुत सारे लगे चौबीस हज़ार मैंने कहा अच्छा ठीक है डन मैं चली गई उन्होंने उसी वक्त वो होता था कि आपने काम किया आपको कैश मिला आपने स्लिप पर साइन किया पैसे मिल गए मैं करके आ गई फिर बड़े शौक से ना मैंने सबको घर में दिखाया उस तो ना बड़ी चीज़ लग रही थी टी वी मैं आ रही हूँ फिर एक वो किया फिर उसके बाद मैंने कहा अब तो कोई भी नहीं बुला रहा कोई भी नहीं बुला रहा फिर अचानक से मुझे जियो से कॉल आई तो उनका एक सोप था मतलब बीच में आपने खुद से कोई कोशिश नहीं की मैं बस यही कोशिश मुझे इन्हीं का पता था बस और उसके बाद में ये हुआ था कि वो ए एन बी एक प्रोडक्शन हाउस था वहाँ पे जाके मैंने इसी तरह ये जो शादी वाली तस्वीरें थी जमा करवाई अच्छा वो जमा कराई थी उसी की वजह से वो कॉल आई दोबारा फिर वहाँ से कॉल आई तो एक डायरेक्टर होते थे नदीम सिद्दीकी तो उसमें फैसल भाई की सिस्टर्स के कैरेक्टर थे एक जनान ने किया था उस वक्त सुंदर तारिक थी अब जनान हुसैन वो और एक मैं हम दोनों बहनें बनी थी यासरा उनकी वाइफ थी ओके okay. तो फिर मैंने अच्छा उससे भी पहले ये हुआ था कि एक डायरेक्टर है तहसीन जिन्होंने बाजी किया जी जी तो वो मेरे हस्बैंड का फ्रेंड है okay. तो जब उसको मेरे हस्बैंड ने कहा ना कि यार कहीं हो तो बताना वो इसी प्रोडक्शन हाउस था उसने कहा यार एक सीन के लिए ना हमें चाहिए अगर इसने अच्छा बोल लिया हो गया वन गो में कर लिया तो फिर हम कंसिडर करेंगे तो हम चले गए अब वहाँ पे ये था कि सबा कमर बैठी हुई सबा कमर को देख के ही ना मैं टी में आई थी मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ उनसे <laughs> तो वो वहां बैठी हुई है मेरे सामने और बराबर में फाद मुस्तफ़ा बैठे कहा आप बैठ जाएं, आप उधर बैठ okay. oh, थी थी। अच्छा अब मैं बैठ गई अब रट्टा तो मैंने लगा लिया एक्सप्रेशन तो आते नहीं थे मुझे रट्टा लगा लिया मैंने अब वहां पर मैं बैठी पहले तो सवा कमर मतलब आप उसके उनके सामने बैठे पहली बार तो मैंने बोलना शुरू किया मैंने कहा कि नैकानामे के अंदर एक गुशवारा होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि आप लोगों को अपने टेस्ट करवाने लेकिन आजकल के पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते पता नहीं क्यों नहीं। उसके अंदर था कि उनको प्रॉब्लम होती है तो उससे पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए ताकि पता नहीं आपको याद हो या ना हो लेकिन एक इशू पर था वो ड्रामा ड्राउके तो खैर वो सब कुछ हुआ फिर अब ये नहीं पता था सब कुछ तो बोल दिया मैंने मास्टर में जब सोलो की बारी आई ना तो वो चीट करवाते ना आप यहाँ देखें यहाँ देखें फ मुस्तफ़ा चले गए और मुझे समझ नहीं आ रहा कि सवा <laughs> कमर तो ये बैठी है जो देखा? मुझे इसके मियाँ को पॉइंट आउट करके <laughs> बोलना है वो कहाँ बोलू <laughs> सवा कमर ने ना ऐसे करके हाथ रखा तो जब फाद मुस्तफ़ा बोलते थे तो यूँ <laughs> यूँ करती थे so बहुत अच्छी yeah. है तो खैर फिर पहला so आपका वो मेरा पहला था ओके फिर वो करने के बाद उन लोगों ने मुझे दोबारा बुलाया मन के मोती खुशबू का घर ये सारे मैंने सोप करती गई फिर एक बार शर्मद भाई आए थे

ये करने के बाद ये हुआ कि इन लोगों ने मुझसे कहा कि आप खुशबू का घर करना है उसके अंदर एक लड़की थी सायरा वो हैदराबाद से आई थी तो उसने अचानक से ना सोप मिट से छोड़ के वो वापस चली गई थी तो उन लोगों ने मुझे बता दिया कि हम आपको रिप्लेस कर रहे हैं जैसे पहले होता था ना दूसरे चैनल्स में ये किरदार इसकी जगह आ गया तो हम किसी और की जगह आ गए हम खुश थे कि हमें सोप मिल गया ना तो अब मैं वो कर रही थी तो उसके बीच में जो मेरे फादर बने हुए थे मुझे रोने का सीन था तो उनको बहुत गु़स्सा आया और वो कहने लगे कि मैं ऐसे लोगों के सामने अब एक्टिंग करूँगा ये वो तो उस वक्त यही जो तहसीन था ये एडी था और जाहिद महमूद उसके डायरेक्टर थे तो मैं तहसीन के पीछे जाके ना रोना शुरू हो गई